कपास में गुलाबी सुंडी का कहर हमने पिछले साल देखा था, इसलिए जरूरी है कि इस बार समय रहते इसका रोकथाम कर लें। आदिलाबाद ट्विन डिस्ट्रिक्ट में गुलाबी सुंडी से नुकसान बढ़ता जा रहा है। अभी तक 13 तालुका में गुलाबी सुंडी की वजह से नुकसान हो चुका है। गुलाबी सुंडी के ज्यादा नुकसान होने की वजह से किसान कृषि अधिकारियों पे जा रहा है। चलिए अब देखते हैं गुलाबी सुंडी का जीवन चक्र। गुलाबी सुंडी का पूरा जीवन काल कपास की 160 दिन की फसल में दो चरण ऐसे हैं जहां गुलाबी सुंडी सबसे ज्यादा नुकसान देती है। पहली अवस्था 30 से 40 दिवस। प्यूपा जब पतंगा बनता है तो वह पतंगा उड़के कपास के पत्तों में अंडे देता है। कम समय में ये सुंडी बन जाता है, फिर ये फूलों में प्रवेश करके फूलों को खराब कर देता है। गुलाबी सुंडी की दूसरी अवस्था 70 से 75 दिवस। पतंगा जब पत्तों पे अंडे देती है तो वह 5 से 7 दिवस के अंदर सुंडी बन जाती है। तो यह सुंडी टिंडे में प्रवेश करके टिंडे को खराब कर देती है। जब सुंडी टिंडे में प्रवेश करती है तो यह उसके बीजों को खा जाती है और पूरे टिंडे को खराब कर देती है। यहां आप देख सकते हैं कि टिंडा पूरा खराब हो चुका है। आप देख सकते हैं गुलाबी सुंडी के कारण कपास की उपज में कितना नुकसान हुआ है। खराब क्वालिटी का कपास आप देख सकते हैं। टिंडे को खराब करने के बाद गुलाबी सुंडी टिंडे से निकलती है और जमीन में प्रवेश करती है। जमीन में प्रवेश करने के बाद ये प्यूपा स्टेज में आती है और दूसरी फसल को खराब करने की तैयारी करती है। तो ये है गुलाबी सुंडी का पूरा जीवन चक्र। गुलाबी सुंडी की वजह से हो रहे नुकसान को रोकने के लिए सुमिटोमो लाया है जेनिटॉल। आइए अब हम सुनते हैं हमारे एग्रीकल्चर एक्सपर्ट मिस्टर सागर जी से। आज हम बात करेंगे कपास का दुश्मन गुलाबी सुंडी के बारे में। मित्रों, डेनिटॉल एक ऐसे तकनीक से बना प्रोडक्ट है जो गुलाबी सुंडी पे पूरी तरह नियंत्रण करता है। तो डेनिटॉल इन सारी अवस्थाओं पे बड़े अच्छे से काम करके आपकी गुलाबी सुंडी को कंट्रोल करता है। जैसे ही आपके कपास में 20% 30% फूल आना चालू हो जाएगा, उसी दौरान आपको डेनिटॉल ये 15 लीटर पानी में 40 मिली लेके इसका छिड़काव करना है। ध्यान रहे, पहला छिड़काव डेनिटॉल का 40 मिली प्रति 15 लीटर पानी में लेके आपको करना है। पहला छिड़काव होने के 13 से 15 दिन के बाद आपको डेनिटॉल पुनः आपके कपास में छिड़काव करना है। उसकी मात्रा भी आपकी 40 मिली प्रति 15 लीटर पानी कुछ इस तरह रहेगी। डेनिटॉल का तीसरा छिड़काव भी लेना है। ध्यान रहे, तीसरा छिड़काव आपको दूसरे छिड़काव के 15 दिन बाद करना है। उसमें भी आपको डेनिटॉल की जो मात्रा है वो 40 मिली प्रति 15 लीटर पानी के साथ आपको अच्छे से छिड़काव करना है। मित्रों, डेनिटॉल के बारे में मैं आपको खास करके एक बात बताऊंगा। डेनिटॉल हमारे राज्य शासन के कृषि विभाग से मान्यता प्राप्त दवाई है, जो कि कृषि विभाग भी हमारे किसान भाइयों को सिफारिश करते हैं गुलाबी सुंडी की
कंट्रोल के लिए या रोकथाम के लिए। अब हम सुनते हैं मध्य प्रदेश के किसान दयाराम जी से कि इनको डेनिटॉल का इस्तेमाल करके कैसा लगा। क्या नाम है भैया आपका? दयाराम यादव सरपाला। अच्छा, और जिला? जिला खरगोन। खरगोन जिला लगता है। आपका मोबाइल नंबर क्या है? 9425089895838। अच्छा, तो आपने खेत पे कौन सी फसल लगाई है? स्टार्टिंग में से लग रहा था तितली, वो उड़ रही थी गुलाबी इल्ली वाली, उसमें थी भी फूल में, हमने देखी, उसके बाद हम ये लेके आए और इसको डाला है। अभी रिजल्ट बढ़िया है, अभी कोई तितली वगैरह नहीं है। अच्छा। और थोड़ा रौनक भी अच्छी लग रही है उससे, थ्रिप्स भी थोड़ी कंट्रोल हुई है उससे। बराबर, देखो सारा चीज बिल्कुल, और ये जो लड़ी लगी हुई है ये थोड़ा लग रहा है कि सब व्यवस्थित हुई है इससे। अच्छा अच्छा, तो कितना उपयोग किया आपने इसमें? हमने 50 ml लिया, कंपनी 40 ml बोलती है, पर तो अटैक बहुत ज्यादा था, तितलियां बहुत ज्यादा थी, तो मैंने 10 ml बढ़ा के लिया है, पर 40 ml में कंट्रोल होती है। दूसरे खेत में मैंने 40 ml डाला है। 40 ml प्रति पंप डाला है। अच्छा, इसमें आपने 50 ml प्रति पंप डाला क्योंकि अटैक ज्यादा था, इसमें ज्यादा बड़ा हो गया है और अटैक ज्यादा था, वजह से डालना पड़ा। मौसम भी कुछ छीट रहा है और पानी आ रहा था, इसलिए वजह से। तो अभी आप बढ़ाई थी हमने, अभी आप डेनिटॉल के रिजल्ट से संतुष्ट हो? हाँ, संतुष्ट है। कंपनी 3 बोल रही है स्प्रे करने का, मैं बोल रहा हूँ मैं खुद 4 करूँ, क्योंकि मेरे को आखिरी तक इसको माल को गुलाबी लगी से बचाना है। बराबर बराबर, और एक यही लग रहा है मुझे कि मेरे को पार कर सकती है गुलाबी इल्ली, रोक दे तो बढ़िया रहे किसानों के लिए और किसानों को उत्पादन मिले, अपन तो यही चाहते हैं। मैं खुद किसान का बेटा हूँ। मध्य प्रदेश के बाद अब लेकर चलते हैं महाराष्ट्र के किसान विजय पाटिल के पास। मेरा नाम विजय पाटिल है, मैं जड़गांव जिले का रहने वाला हूँ। अभी देखिए ये डेनिटॉल का इस्तेमाल किया हुआ क्षेत्र है। अब देखिए मैंने डेनिटॉल का 1 एकड़ में इस्तेमाल नहीं किया है, और जिस क्षेत्र में मैंने डेनिटॉल का इस्तेमाल किया है उस क्षेत्र में मुझे कपास 15 क्विंटल प्रति एकड़ ज्यादा हुआ है। जिस 1 एकड़ में मैंने डेनिटॉल का इस्तेमाल नहीं किया है वहां मुझे 7 से 8 क्विंटल कपास कम हुआ है। अगर मैं वहां पे डेनिटॉल का इस्तेमाल करता तो वहां पे गुलाबी सुंडी का प्रभाव नहीं पड़ता और मेरा कपास का उत्पादन अधिक बढ़ जाता। तो सभी किसान भाइयों को मैं निवेदन करता हूँ, जैसे मेरा डेनिटॉल से अनुभव अच्छा रहा है, उसी अनुभव के आधार पर मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जब आपकी कपास 30 से 40 दिन की होती है और फूल की अवस्था में होती है, तब आप डेनिटॉल 40 मिली प्रति पंप की मात्रा में हर 15 दिन में स्प्रे करें। अब लेकर चलते हैं गुजरात के किसान अभास इब्राहिम भट्ट के पास। मेरा नाम अभास इब्राहिम भट्ट है, मैं तालुका हिम्मतनगर गुजरात का रहने वाला हूँ। गुलाबी सुंडी के नियंत्रण के लिए मैंने डेनिटॉल का इस्तेमाल करा था। डेनिटॉल के इस्तेमाल करने से एक भी पौधा खराब नहीं हुआ। डेनिटॉल का स्प्रे करने से मुझे 100% रिजल्ट मिला। अब चलते हैं आंध्र प्रदेश के किसान के पास। मेरा नाम है बॉम्बे नेनी रामा भद्रया, मैं कोत्तगुड़म जिले का रहने वाला हूँ। मेरा नंबर है 9502010023। डेनिटॉल का रिजल्ट कपास की फसल में लंबे समय तक रहता है। गुलाबी सुंडी के रोकथाम के लिए सभी किसान भाइयों को डेनिटॉल का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। इतने अच्छे और सस्ते प्रोडक्ट को देने के लिए मैं सुमिटोमो को धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्या आपके कपास में गुलाबी सुंडी की समस्या है? अगर है तो आज ही डेनिटॉल लाएं। नाम याद रखें, डेनिटॉल। डेनिटॉल गुलाबी सुंडी के रोकथाम के लिए डेनिटॉल का इस्तेमाल पूरे इंडिया में किया जा रहा है, तभी हमने इसका नाम रखा है डेनिटॉल इंडिया। डेनिटॉल इंडिया वेबसाइट को जरूर देखिए।